लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 19 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में एमपी की बाकी बची सीटों पर चेहरे तय हो जाएंगे। कांग्रेस हेडक्वार्टर में होने वाली बैठक में एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी पवार जितेंद्र सिंह, स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल, सीईसी मेंबर ओमकार सिंह मरकाम शामिल होंगे। बीजेपी के राम मंदिर कार्ड के सामने कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए विधायकों को चुनाव में उतार सकती है। मुरैना लोकसभा से जोरा विधायक पंकज उपाध्याय, दमोह सीट से बड़ा मलेरा विधायक रामसिया भारती, विदिशा से सिलवानी विधायक देवेंद पटेल, जबलपुर से लखन घनगोरिया, शहडोल से पुष्पराजगढ़ विधायक फंदेलाल मार्को, जबकि मंदसौर में विधायक विपिन जैन को तारा जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस आलाकमान एमपी के सीनियर लीडर्स को चुनाव लड़ाने के लिए कह रहा है। हालांकि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा समेत तमाम नेता चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में अब कांग्रेस युवाओं पर दाव लगा सकती है। फेसबुक पर कृष्णकांत सोनी को फॉलो और YouTube पर केसरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।